तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक आरजे 35 और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा स्टार्टर पैनल जो सिंगल फेस का होता है उसकी वायरिंग। तो दोस्तों लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपने काम को और भी बेहतर कर सकें। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको फेज़ वाला वायर लेना है जो कि एम्पियर मीटर के एक प्रोप में कनेक्ट कर दें, ठीक है दोस्तों, इस तरह। और फिर उसके आउटर से निकलता है वो वायर आपको स्टार्टर के 3 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस तरह हमें स्टार्टिंग का जो रनिंग वाला ग्रुप होता है उसका एक वायर हमें 3 नंबर पॉइंट से लेके जहाँ पे मोटर की केबल कनेक्ट होती है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो हमें रनिंग का एक वायर जो है मिल चुका है। तो अब बात करते हैं हम न्यूट्रल वायर की, ठीक है दोस्तों। तो एक न्यूट्रल वायर हमें उठा के पॉइंट नंबर एक पर कनेक्ट कर देना है जो कि आउटर में स्टार्टर के पत्ती की तरफ से निकलता है एक नंबर पॉइंट से जो कि ब्लू वाला बनता है, उसको हमें ब्लू वाले बी में कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास जो है कैपेसिटर के कनेक्शन जो है आपको दोनों कैपेसिटर के जोड़ के उसको 3 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो अब बचा है हमारे पास येलो वाला वायर। दोस्तों एक वायर उठा के मास्टर और दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करके पॉइंट नंबर 2 में कनेक्ट कर दें, ठीक है। और 2 नंबर पे जो आउटर निकलेगा उसको येलो वाले में कनेक्ट कर दें। तो इस तरह हमारे जो तीनों वायर जो है निकल चुके हैं। लेकिन अब हम करेंगे वोल्ट मीटर का कनेक्शन। तो हमें जो एम्पियर मीटर का आउटर था वहाँ से एक ले लेना है और एक न्यूट्रल में से कनेक्ट कर देना है, तो ये वोल्ट मीटर जो है काम करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बचे हमारे पास स्विच ऑन करने के कंट्रोल पैनल। और दोस्तों जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है ये लीड ग्रीन कलर की जो है वो पहले से लगी हुई होती है और ये वाली भी पहले से ही लगी हुई होती है, अगर ना हो तो आप इसको भी लगा लें। 230 वोल्ट की कॉइल होती है उससे एक पॉइंट उठाकर हमें देना है ऑफ स्विच कर एक पॉइंट पर, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे पॉइंट से हमें उठाकर ऑन वाले पॉइंट की एक तरफ दे देनी है। फिर हमें जो हमारा फेस था उसको भी एक बार हमें पावर ऑन वाले पॉइंट को देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप वीडियो में देखते रहिए और कनेक्शन कर लीजिए। इस तरह 95 से एक उठाकर आपको ऑफ स्विच के बीच वाले दो जहां पर लीड लगी हुई होती है वहां पर कनेक्ट कर देना। तो दोस्तों हमारा जो पावर ऑन वाला बटन होता है वो दो स्विच को मिलाकर एक स्विच बनाया जाता है। तो आपको एक स्विच को बीच में से ऐसे सप्लाई दे देनी है जो कि वीडियो में आपको बता रहे हैं और उसको कनेक्ट इस पॉइंट से कर देना है आउटर के पॉइंट से। फिर कनेक्ट करके आपको कर देना है इसको मास्टर में कनेक्ट 200-250 का जो होता है उसमें MFD का कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम ऐसे ही वीडियोस लाकर आपका काम और भी आसान करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।